बहुत सारे मित्रों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारे दुश्मनों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। मैं आपको उपाय बता सकता हूं, उपाय करना आपका काम है। कई सारे मित्र कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया था हमने किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि बताइए उपाय आपने कैसे किया, तो मतलब अगर मैंने 10 व्यक्तियों से पूछा तो 10 में से एक या दो ऐसा होता है जिसने उपाय बिल्कुल सही तरीके से किया होता है, बाकी 7 से 8 कोई ना कोई गलती कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग एपिसोड को पूरा नहीं देखते। उपाय किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसकी विधि को आप नहीं समझते, क्योंकि आप एपिसोड को स्किप कर करके देखते हो, जिससे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस हो जाती है और उपाय आप गलत कर देते हो, जिसके कारण उपाय करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको हर एपिसोड में हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब भी आप कोई उपाय करें उसे अच्छी तरह से समझ कर सही विधि से करें, तभी आपको किए जाने वाले उपाय का फल मिलेगा। जल्दबाजी में और गलत तरीके से किया गया कोई भी उपाय कभी कोई फल नहीं देता। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मनों से खुद को आजाद करवाना चाहते हैं, तो आज का ये उपाय अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो भी दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, इस उपाय को करने के बाद आपको अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतान्। बोले शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि आपका दुश्मन तड़प तड़प कर रोएगा। जी हाँ, जिस शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, अब उस दुश्मन को धूल चटाने का टाइम आ गया है। उपाय प्रस्तुत करता हूं। एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। आपने शनिवार की शाम को एक सफेद कागज पर काले रंग के पेन से दुश्मन का नाम लिखना है और उस कागज को फोल्ड करके उस कागज के ऊपर कम से कम 5 किलो वजन रखना है। कोई भी वजन हो, 5 किलो वजन उस नाम के ऊपर आपने रख देना है। अगले शनिवार को उस 5 किलो वजन को 2 किलो और बढ़ा दें, 7 किलो, 10, 12, 15, ऐसे ऐसे करके उस नाम के ऊपर रखा हुआ वजन बढ़ाते चले जाएं, ज्यादा नहीं, थोड़े ही दिनों में इसका असर शुरू हो जाएगा और दुश्मन की बुद्धि उलट पुलट होनी शुरू हो जाएगी। जिस दुश्मन ने आपको परेशान कर रखा है, वो दुश्मन खुद परेशान होना शुरू हो जाएगा। तड़प तड़प कर वो दुश्मन आपके सामने रोने के लिए मजबूर हो जाएगा और आगे से दोबारा कभी आपके साथ दुश्मनी करने की जरूरत छोड़िए कोशिश भी नहीं कर पाएगा। एपिसोड अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय भोलेनाथ।